नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता रंजन। मंजिलें खुद ब खुद चलकर आएंगी, कदमों पर भरोसा तो रखो। ये हौसला ही था जिसने एक ऐसे शख्स को बीजेपी से जोड़ दिया जिसके लिए मुस्लिम बाहुल्य माहौल में हिंदुत्व की बात करना तमाम खतरे मोल लेने से कम नहीं था। मगर बीजेपी से जुड़े भी, चुनाव भी लड़ा और जीत का परचम भी लहराया भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने। नागरिक उड्डयन जैसा हाई प्रोफाइल मंत्रालय संभालने वाले शहनवाज ने किशनगंज की रहनुमाई भी की है। भाजपा में उनका सियासी आज और कल और जनता के लिए उनकी कोशिशों पर पेश है उनका रिपोर्ट कार्ड। शहनवाज हुसैन 1999 में पहली बार किशनगंज के सांसद चुने गए। 1999 से मई 2000 तक वो केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री रहे। मई 2000 से सितंबर 2000 तक उन्होंने युवा और खेल मंत्रालय संभाला। सितंबर 2000 से फरवरी 2001 तक उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। फरवरी 2001 से सितंबर 2001 तक शहनवाज हुसैन स्वतंत्र प्रभार वाले कोयला मंत्री रहे और सितंबर 2001 से 2004 तक उन्होंने नागरिक विमानन मंत्रालय संभाला। जमीन से लेकर आसमान तक के मंत्रालय से रूबरू हो चुके शहनवाज हुसैन ने अपने अंदाज में बहुत कुछ नया करने का मंसूबा जाहिर किया। हालांकि उनकी कई कोशिशें मुकाम तक पहुंच गई, लेकिन कई हसरतें अधूरी ही रह गई। शहनवाज मानते हैं कि उन्हें बहुत ही कम वक्त मिला। शहनवाज हुसैन बीजेपी के मुस्लिम कार्ड भी हैं और हिंदुत्व की संजीवनी से सांस लेने वाली पार्टी का धर्म निरपेक्ष चेहरा भी। भाजपा ने उन्हें न केवल बिहार की प्रतिष्ठित सीट किशनगंज से टिकट दिया बल्कि जीतने के बाद हाई प्रोफाइल उड्डयन मंत्रालय भी संभाला। उन्होंने टेक्सटाइल मंत्रालय भी संभाला और अपने दौर में व्यवस्थाएं बेहतर करने की कुछ कोशिशें भी की हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में आप आए फ्रॉम एविएशन, आप उसने उसको कैसे देखा? वाज इट अ प्रमोशन, वाज इट अ डिमोशन? टेक्सटाइल तो मेरे लिए बहुत, आज आप अपना आकलन कर सकती हैं। सिविल एविएशन बहुत छोटा मंत्रालय और टेक्सटाइल बहुत बड़ा मंत्रालय। बहुत कुछ करने को था सिविल एविएशन में? नहीं, सिविल एविएशन में हमने बहुत कुछ किया। आज प्रफुल्ल पटेल जो कर रहे हैं वो खुद रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि जो इंडिया सरकार ने नीति बनाई उसी को कर रहे हैं। आज हमारे टाइम में एयर इंडिया पहली बार प्रॉफिट में आया मैडम। आज तक अगर कुछ नई एयरलाइन आ रही है, कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है, वो तो नई एयरलाइन सरकार की। हमने वो नीति बनाई कि कोई भी एयरलाइन आ सकती है, डेक्कन एयरवेज को हमने इजाजत दी। तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो विवाद बीच में बहुत उठा, आपका बीजेपी ने तो सपोर्ट नहीं किया प्राइवेटाइजेशन? नहीं, हम देखिए, हम ये चाहते थे कि ये डील अच्छी तरह हो। ये नहीं होगी, अब मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, अगर दूसरा रनवे कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी नहीं बनाएगा तो उसको वो एयरपोर्ट देने का कोई औचित्य नहीं बचेगा। विरोध में उतर के तो नहीं आया? जैसे नहीं, हमने तो हम ये कह रहे हैं अगर दूसरा रनवे नहीं बनाया उस एयरपोर्ट पर तो हम जरूर विरोध करेंगे, ये डील खत्म होगी। लेकिन जिस तरह से लेफ्ट विरोध करता है, लगता है कि लेफ्ट ही विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। लेफ्ट की तो आदत है, वो विरोध कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि वो सरकार से समर्थन वापस लेते। उनका विरोध भी हुआ, एयरपोर्ट बिक भी गया, तो क्या विरोध हुआ बताइए। शहनवाज हुसैन ने कुछ समय के लिए ही टेक्सटाइल मंत्रालय की कमान संभाली, लेकिन उनका एक फैसला बुनकरों के लिए राहत देने वाला साबित हुआ। वो खुद भी टेक्सटाइल मंत्रालय को सबसे पसंदीदा बताते हैं। कौन सा मंत्रालय आपको लगता है जहां आप द बेस्ट परफॉर्म कर पाए और आपका सबसे पसंदीदा रहा? तो जमीन के 5000 फीट नीचे का मंत्रालय और 30000 फीट ऊपर का मंत्रालय, दोनों अटल जी ने हमें दिया। शिक्षा दिया, खेलने कूदने का मंत्रालय दिया, तो ये, और फिर बाद में गरीबों का काम करने के लिए कपड़ा मंत्रालय दिया जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर मज़ा किसी में आया तो वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में आया, क्योंकि उसमें आपके पास करने को बहुत होता है, इनोवेशन होता है, नया कुछ कर सकते हैं, आइडियाज ला सकते हैं। हमने पहली बार वर्ल्ड कारपेट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमने की कारपेट इंडस्ट्री के बारे में, हैंडलूम के बारे में। शहनवाज हुसैन को भले ही कुछ समय के लिए उड्डयन और टेक्सटाइल मंत्रालय की कमान मिली हो, लेकिन उन्होंने बदलाव और बेहतरी की जो कोशिशें की वो देर तक चर्चा में बनी रही। शहनवाज हुसैन को भगवा बैनर का मुस्लिम चेहरा साबित करने की बात विरोधियों के लिए मसालेदार मुद्दे का काम करती है। उनकी जीत हार को भी विपक्षी इसी नजरिए से देखते हैं। हालांकि मुस्लिम कार्ड को लेकर नकवी जैसे दिग्गज नेता से उनकी अंदरूनी तलखियां जब भी जाहिर होती हैं, शहनवाज असहज हो जाते हैं। भाजपा हाईकमान में अपनी पैठ रखने वालों में गिने जाते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। शहनवाज हुसैन से शख्सियत के टकराव की बातें भी सियासी मायने रखती हैं। दोनों ही मुस्लिम नेता हैं और इस लिहाज से खुद को बेहतर साबित करने की जोर आजमाइश भी लाजमी है। हालांकि शहनवाज इस मामले में दर्शन शास्त्र को नुमाया करते हैं।
अच्छा, आप ये बात स्वीकारते हैं कि नकवी साहब से कहीं कोई द्वंद रहता है आपका बीजेपी का चेहरा बनने को लेकर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नकवी साहब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमसे हमारा उनका कहीं कोई विवाद नहीं है। और मैं लोकसभा की राजनीति करता रहा हूं और अभी भी मैं कर रहा हूं। भाजपा का मुस्लिम हिताशी चेहरा बनकर लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने में मुस्लिम नेताओं को सफलता कम ही मिल पाती है। चुनाव बाद के नतीजे इस बात को और पुख्ता करते हैं। बिहार की किशनगंज लोकसभा में शहनवाज हुसैन पर दांव लगाना भी भाजपा के इरादे जाहिर करता है। हालांकि शहनवाज इससे इत्तफाक नहीं रखते हैं। आप वक्स साहब की बात करें, आप बेग साहब की बात करें, आप नकवी साहब की बात करें या आप हुसैन साहब की बात करें, बीजेपी का कोई भी मुस्लिम नेता कहते हैं लोकसभा से दोबारा नहीं जीतता, ऐसा क्यों? नहीं, दो बार जीते हैं लोग, आरिफ बेग साहब भी दो बार जीते हैं, बीच में एक बार गैप हुआ। देखिए, सीट मुश्किल मिलती है। हमारी जो सीट है किशनगंज की सीट, उन सब की सीट से अलग है। किशनगंज में 70% के करीब मुस्लिम आबादी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो सबने दांत तले उंगली दबाई थी, और हमारे जैसे लोग वहाँ आज गए और पार्टी का काम वहाँ पर खड़ा हुआ। इसलिए बीजेपी ने आपको मुस्लिम नेता का फेस, मतलब एक फेस बना दिया आपको बीजेपी का? नहीं, क्योंकि मैं जीत कर आया था ना, इतनी मुश्किल सीट जीतकर, मेरे से मुश्किल सीट जीतकर कोई नहीं आया था। पारा क्यों नहीं जीतता? मेरा दोबारा जीतेंगे, अब चुनाव होगा, एक बार गैप होता। हमने अपने हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा जब पहले लड़े थे तो थोड़ी जीत गए थे। हमारे यहाँ भी कई पार्टी के नेता हैं जो जीतते और हारते रहे, हम जीते भी हैं हारे भी हैं, और मौका मिलेगा तो फिर जीत कर भी देखा। लोकतंत्र की सबसे मजबूत और खरी कसौटी होती है जनता। शहनवाज हुसैन के बयान और इरादे जनता पर कितना असर साबित कर पाते हैं, ये तो चुनाव में ही साफ हो सकेगा। कद्दावर नेताओं की सियासी जमीन किशनगंज में अब तक क्यों नहीं जल पाई साक्षरता की मशाल? यहाँ की जनता को क्या कुछ दे सके शहनवाज? और रिश्वत लेकर नौकरी देने जैसे तमाम इल्जामातों पर क्या है उनका जवाब, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।